नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में आज आपको बताया जाएगा। और जो आर्य समाज है, इसकी जो स्थापना है वो कब होती है, 1875 में। ध्यान करना है, 1875 में। और जो पहली वीडियो मैंने डाली थी थियोफिकल सोसाइटी की, उसकी भी स्थापना कब होती है, 1875 में। ये बात आपको कॉमन ध्यान करनी है। इधर देखिए, इसका जो मुख्यालय, इस आर्य समाज की सबसे पहले स्थापना किसने करी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कौन ने करी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद सुनिए, इसका मुख्यालय कहां पर था, लाहौर के अंदर। और मुख्यालय कब खोला गया, तो मुख्यालय खोला गया 1877 में। देखिए, दोनों क्वेश्चन ध्यान करने हैं। 1875 में स्थापना, और उसके जस्ट 2 साल बाद 1877 में इसका मुख्यालय खोल दिया जाता है, कहां पर, लाहौर के अंदर। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और ध्यान करना, इस आर्य समाज का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और ये विभाजन कब होता है, 1893 में। ये भी अपने आप में कुछ इंपोर्टेंट डेटें कई बार पूछ ली जाती हैं कि स्थापना कब हुई 1875 में, मुख्यालय कहां पर है, लाहौर के अंदर, मुख्यालय की स्थापना कब हुई 1877 में, आर्य समाज का विभाजन कब हुआ 1893 में। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का, सरस्वती जी ने इसकी स्थापना करी, तो उनका जो बायोडाटा है वो जानना हमें जरूरी है, और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनका जन्म कहाँ पर होता है, इनका जन्म होता है आपका कहाँ पर होता है, गुजरात के अंदर। कहाँ पर होता है, गुजरात के मोखी में। इसका क्या, इनका क्या होता है, जन्म होता है कब होता है, 1824 में। जी हाँ दोस्तों, कब होता है, 1824 में। और इनका बचपन का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भाई दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या है, तो इनके बचपन का नाम क्या होता है, इनके बचपन का नाम होता है मूल शंकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है, तो मूल शंकर है। और इन्होंने संन्यास कितनी वर्ष की अवस्था में लिया, 24 वर्ष की अवस्था में। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनके गुरु कौन है, तो इनके गुरु हैं विरजानंद। कौन है, विरजानंद, जिनका संबंध कहाँ से है, मथुरा से। और ध्यान करना, मथुरा के अंदर ही इन्होंने अपनी क्या ली थी, शिक्षा ली थी। जब इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, तो इनका जो प्रथम जो समाज था, उसका प्रचार करना, उनका प्रचार किस तरीके से किया था, एक पाखंड खंडनी पताका फहराई गई। तो पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज के जो प्रचारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने जो पाखंड पातकिनी थी वो कहाँ पर फहराई थी, तो वो फहराई थी आगरा के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगरा के अंदर पाखंड खंडनी की पताका फहराई थी। ध्यान करना, कहाँ पर फहराई, आगरा के अंदर। उसके बाद देखिए, इनकी जो सभा थी वो कौन थी, क्या नाम दिया, गौरक्षिणी। क्या नाम था इनकी सभा का, गौरक्षिणी। उसके बाद इनकी जो पुस्तकें हैं, किसकी, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो पुस्तकें हैं, एक गऊ करुणा निधि पूछ ली जाती है, गऊ करुणा निधि और सत्यार्थ प्रकाश। गऊ करुणा निधि और सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। उसके बाद देखिए इनके बारे में कुछ और पॉइंट कि भाई 1824 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, तो इन्होंने एक नारा दिया था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसका है, तो ये नारा किसका है, आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने वेदों को बड़ा महत्व दिया है, और वेदों के आधार पर ही जो हमारा धर्म है वो चलता है, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि भाई हमें वेद क्या चाहिए, हमें वेद पढ़ने चाहिए। उसके बाद देखिए, गुरु के बारे में बात हुई, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में का आधार स्तंभ, भारत का आधार स्तंभ इन्होंने किसको माना, तो भारत को आधार स्तंभ माना था किसको, वेदों को। ध्यान करना, कोई पूछे कि भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत का आधार स्तंभ किसको माना है, तो वेदों को माना है। उसके बाद देखिए, भारत का मार्टिन लूथर किंग, जी हाँ दोस्तों, पूछ लिया जाता है स्टैटिक जीके के अंदर कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन था, आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उसके बाद वैसे मैं बताऊंगा आप, तो जो मार्टिन लूथर किंग था वो कहाँ का था, अमेरिका का था। और जो पादरी आंदोलन था, अमेरिका का जो पादरी आंदोलन आंदोलनकारी था कौन, मार्टिन लूथर किंग, और इसको अमेरिका का गांधी भी कहा गया है। आप सभी जानते हो कि अमेरिका का गांधी कौन है, मार्टिन लूथर किंग। और वैसे भी आप बताए, यदि हरियाणा सेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन भी जानने जरूरी है कि भाई हरियाणा का गांधी किसे कहा गया है, तो हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन है। मेवात का गांधी कौन है, यासीन मेव है। और सीमांत गांधी खान अब्दुल का गफ्फार था।
ध्यान करना। और इस स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या माना गया है? भारतीय अशांति का जन्मदाता। तो किसे माना गया है? भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे माना गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बार फिर रिकॉल करता हूं मैं, देखना आर्य समाज की स्थापना 1875, मुख्यालय कहां पर है? लाहौर के अंदर। स्थान कहां था? बंबई के अंदर भी खोला गया था एक इसकी ब्रांच। उसके बाद पुस्तक गौरख करुणानिधि, सत्यात प्रकाश सभा, गौरक्षिणी समाज का जो प्रचार था, पाखंड खंडनी, पता का फहराई कहां पर? आगरा के अंदर। जन्म 1824 के अंदर। उसके बाद वेदों की ओर लौट चलो नारा गुजरात के अंदर हुआ। बचपन का नाम मूल शंकर। संन्यास 24 वर्ष की अवस्था में। गुरुजी कौन थे? विरजानंद थे। भारत का आधार स्तंभ किसको माना? वेदों को माना। भारत का मार्टिन लूथर किंग, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में शांति का जन्मदाता स्वामी दयानंद सरस्वती। और मृत्यु कहां पर होती है? इनकी मृत्यु कई एग्जामों में पूछी गई है। तो इनकी मृत्यु हुई थी कहां पर? अजमेर के अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पर हुई है। तो इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर के अंदर। और इनकी मृत्यु कब होती है? 20 अक्टूबर 1883 में। तो ध्यान करना है, 20 अक्टूबर 1883 में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। कहां पर होती है? अजमेर के अंदर होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।